बॉलीवुड के दबंग खान सलमान को वो शोहरत हासिल है जो कम ही कलाकारों को मिलती है। सलमान बॉलीवुड में अपने अफेयर्स को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं। फिल्मों में आने से पहले ही सलमान का नाम एक्ट्रेसेस के साथ लिंकअप होने लगा था। सलमान की लाइफ में सबसे पहली एक्ट्रेस संगीता बिजलानी ने एंट्री ली थी। 1980 में जब संगीता ने मिस इंडिया का ताज जीता था, उसके बाद से सलमान के साथ उनके लिंकअप की खबरें खूब चर्चा में रही थीं। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं रहा और दोनों के बीच कड़वाहट आ गई। फिर बाद में संगीता ने पूर्व क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी कर ली। संगीता के जाने के बाद सलमान की जिंदगी में एंट्री ली पाकिस्तान की 19 साल की एक्ट्रेस सोमी अली ने। दोनों के बीच काफी अच्छा रिश्ता था। सोमी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 15 साल की उम्र से ही उन्हें सलमान पर क्रश था और वो तभी से ही सलमान से शादी करना चाहती थीं। और यही कारण था कि सोमी ने बॉलीवुड में कदम रखा था। लेकिन इन दोनों का रिश्ता भी किसी कगार पर नहीं पहुंच पाया। 8 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों अलग हो गए। सोमी से ब्रेकअप होने के बाद सलमान की लव स्टोरी ऐश्वर्या के साथ शुरू हो गई। साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के दौरान इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। दोनों का प्यार काफी परवान चढ़ा, लेकिन 2002 में दोनों की लव स्टोरी का अंत हो गया। ऐश्वर्या के लाइफ से जाने के बाद सलमान उन्हीं की हमशक्ल स्नेहा उल्लाल को इंडस्ट्री में लाए। दोनों के बीच रिश्तों को लेकर काफी चर्चा रही, लेकिन दोनों ने कभी मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। अब स्नेहा साउथ इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। इसके बाद सलमान की लाइफ में एंट्री मारी कैटरीना कैफ ने। सलमान ने कैट के डूबते हुए करियर को सहारा दिया और आज कैट बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है। कैटरीना सलमान के साथ मैंने प्यार क्यों किया में नजर आई। सलमान कैट को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन इस बार भी सलमान खाली हाथ रह गए। इसके बाद सलमान का नाम कैट की ड्यूप्लीकेट जरीन खान के साथ जोड़ा गया, लेकिन वो सिर्फ सुर्खियां थी। इसके बाद बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट क्लॉडिया के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया, लेकिन वो सब भी हवा में ही निकल गया। इन दिनों सलमान अपनी गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर के साथ ही बिजी हैं। यूलिया एक रोमानियन एक्टर और एंकर हैं। सलमान के विदेश ट्रिप के दौरान सलमान यूलिया से मिले थे, इसके बाद वो इंडिया भी आई। इतना ही नहीं, सलमान ने अर्पिता की शादी में यूलिया को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस भी कराया था। अब देखना ये है कि सलमान और यूलिया के बीच ये रिश्ता कितने समय तक बना रहता है। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।